हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आईटी एग्जाम 23। तो आपको पता है क्वेश्चन किस टॉपिक से है? ये क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल्स। यस, पर रैंडम वेरिएबल में आपको पता होगा कि मीन निकालने के मोमेंट्स। सो सबसे पहले मैं क्या देता हूँ आपको रीकैप कि आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे बच्चों को। तो आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूजिंग सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स डीएक्स। इसको आप लोगों को, मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सर्वाइवल भी वर्ड यूज करते हैं, एस एक्स एक्स, और किताबों में जैसे कोर किताबें उनमें सर्वाइवल की जगह 1-CDF दिया होता है, बात एक ही है सब, दे ऑल आर सेम। तो अगर आपको ये रीकैप में ये पता है तो ये क्वेश्चन आपको आता है। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है ये रिकैप आपको पता होगा सर्वाइवेबिलिटी कैसे निकलती है, ये आपको आइडिया होगा इस बात का बच्चों, है ना। तो प्लीज एक बार ध्यान रखिए, देखिए मैं सारे सॉल्यूशन डालूंगा आपको, गेट नेट और जैम और गेट सारे 23 तक, 21-22-23 तो जरूर डालूंगा सबके, जितना भी समय मुझे मिलेगा आप सबकी हेल्प के लिए। बाकी जैम डाल दूंगा 18-19 से आगे, 19-20-21-22-23 और गेट 21-22-23। तो आप देखे रहिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई आप रिक्वेस्ट है तो डाल सकते हैं आप कमेंट में। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। आ जाओ मेरे बच्चे, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, लोग क्यों ना कर दें इसको ऐसे, 0 से इनफिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स डीएक्स। ओके, कैन आई रीराइट दिस एज प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन रूट एक्स। तो यहां छोटा सा बदलाव कर देते हैं भाई, क्या लेट लेट सर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मेरे बच्चों डी एक्स किसके बराबर हुआ, 2t dt के बराबर हुआ। सब बदलना लो, बदलो भाई इसके अंदर, अब लिमिट शिमिट सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन रूट एक्स तो टी हो गया, और डी एक्स की जगह आ गया 2t dt। अब आप जानते हैं ट्वाइस को भाग ले लो, 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन t dt। अब बात, क्या मैं डमी वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ? यस सर, आप डमी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स डीएक्स। तो अब देख लो कौन सा वाला एक्सप्रेशन आपका मैच करता है इसमें स्टूडेंट, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका आंसर है सी, सही आंसर है सी आपका यहाँ पर जो मैच कर रहा है। तो अच्छा लगा सॉल्यूशन, तो लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स।